5:07 का समय हो रहा है और बारिश हो रही है, रात भी बारिश हुई है यहाँ पे और चल हो चुकी है पर अभी कोई नहीं है रोपे में। समय हो रहा है 7:18 और बारिश पड़ रही है माता के भवन पर। अरे देखिए यार तुम पैसे ना दो अभी बस। ये दुर्गे भवन के अंदर का यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 23 जुलाई 2024 और दिन है मंगलवार का। फिलहाल आप जो वीडियो देख रही है आज सुबह 7 बजे के दृश्य हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कितनी तेज बारिश आज भी श्री माता वैष्णो देवी भवन पर हो रही है और ये बारिश रात से ही हो रही है। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट लेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आज कौन सी सुविधा पर सुबह सुबह रोक लगा दी गई थी और इसके अलावा जानने वाले हैं यात्रियों की संख्या के बारे में और अन्य जानकारी भी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें, लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं माता वैष्णो देवी का श्रृंगार। आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी भवन पर स्थित माता रानी की प्राचीन गुफा के अंदर माता रानी की तीनों पिंडियों का श्रृंगार। और आपको बता दें कि आज मंगलवार के दिन माता रानी को लाल चोले के अंदर सजाया गया और आज के चोले के बॉर्डर हम देख सकते हैं नीले कलर का आज बॉर्डर लगाया है इसके अंदर और साथ ही साथ तीनों पिंडियों के चारों तरफ जो किनारे हैं वहां पर भी ब्लू कलर से ही इसकी बॉर्डर बनाया गया है। माता रानी की तीनों पिंडियों को फूलों द्वारा सजाया गया और साथ साथ पिंडियों के सामने हम देख सकते हैं स्वास्तिक के चिन्ह को भी फूलों से ही आज बनाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं माता रानी की अखंड ज्योत जो हमेशा यूं ही प्रज्वलित रहती है। और जैसा कि आज मंगलवार का दिन है तो आज हम देख सकते हैं कि जितने भी भक्त अटका आरती के अंदर बैठे थे सभी भक्तों को श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी की चुनरी भी भेंट की जाती है और आज भी कुछ इसी प्रकार से सभी अटका आरती में बैठे भक्तों को चुनरी दी गई। तो आपको आज का माता रानी का श्रृंगार और भक्तों की ये रौनक कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। तो माता रानी के आज के दर्शन करने के बाद आइए अब देख लेते हैं आज के मौसम का हाल, देखते हैं किस प्रकार से आज मौसम बना रहा और पूरे दिन किस प्रकार से मौसम आज बना रहने वाला है, इसकी पूरी रिपोर्ट देते हैं आज यक्षोम की ताजा वीडियो के साथ। 5:07 का समय हो रहा है और बारिश हो रही है, रात भी बारिश हुई है यहाँ पे और अभी तक चली रही है बारिश, तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं। बीच में एक बार रुकी भी थी हल्की सी, पर बारिश अब जारी है। अब कब तक चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। ये दुर्गा भवन की तस्वीरें हैं, दुर्गा भवन के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं बारिश को। भक्तों का जो रुकने का वो है अंदर दुर्गा भवन का, सेकंड फ्लोर फुल हो चुका है, वहाँ पे रास्ते में भी लोग अपने कपड़े बिछा कर लौटे हुए हैं और देखे पानी भी भरा हुआ है। आज सुबह के नज़ारे आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी पर सुबह 5 बजे कुछ इस प्रकार से आज तेज बारिश हो रही थी और इससे पहले से ये बारिश पूरी रात भर चली। आपको बता दें ये बिल्कुल ताजा अपडेट हमारे सामने पेश कर रहे हैं अंकुश ठाकुर जी जो बागपत से जुड़ते हैं हमारे साथ और हमारे टीम मेंबर भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट ये आज हमें दे रहे हैं इस वीडियो के सहारे से। इसके अलावा अभी देखते हैं आज सुबह 7 बजे कुछ किस प्रकार का मौसम था, पूरी डिटेल आज लेंगे मौसम की और आपको बता दें कि ये लगभग 11-12 बजे तक ऐसा ही चलने वाला है। उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर बादल छाए रहने वाले हैं और उसके बाद शाम के समय एक बार फिर से यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिलने वाली है जिसकी पूरी आशंका है। अभी जो आपने वीडियो देखा था ये था सुबह 5 बजे का वीडियो और अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है सुबह 7 बजे का वीडियो। रहा है 7:18 और तारीख है आज 23 जुलाई, दिन मंगलवार और बारिश पड़ रही है माता के भवन पर, रात से ही बारिश लगातार हो रही है, ये अब भी बारिश जारी है।
तो जैसा कि अंकुश ठाकुर जी ने दिखाया कि इस प्रकार से बारिश रात से लगातार यहाँ पर चल रही है और 7:18 का ये दृश्य हम देख सकते हैं। इससे पहले 5 बजे के हमने वीडियो देखा, उसमें भी काफी तेज बारिश हो रही थी। देख सकते हैं कि दुर्गा भवन के अंदर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं बारिश से अपना बचाव कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्गा भवन की छत भरी हुई रहती है, फिलहाल बारिश की वजह से ही खाली है और अंदर हम देख सकते हैं यात्रीगण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम फरमा रहे हैं। और आपको बता दें कि नीचे 2 फ्लोर यहाँ पर फ्री डॉर्मेट्री के लिए दिए जाते हैं और जिनको वो नहीं मिल पाते हैं तो वो यात्री इस तरह से यहाँ पर ऊपर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। फिलहाल तो मौसम आज काफी अच्छा बना हुआ है, बारिश जो है लगातार रात से जारी है और इसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। अगर आप रात के समय यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको ठंडक महसूस हो सकती है, कोशिश करें कि फुल स्लीव क्लॉथ्स ही पहने, टी शर्ट वगैरह के अंदर आपको ठंड महसूस हो सकती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी कहते हैं कि आप इस यात्रा के अंदर, क्योंकि आगे आने वाले कई दिनों तक लगातार ही बारिश देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपने साथ रेन कोट जरूर लें। अगर आप घर से लेकर आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी वजह से घर से लेकर नहीं आए हैं और आप यहाँ पर कटरा से आकर भी रेन कोट ले सकते हैं जो यूज एंड थ्रो बेसिस पर आपको मिल जाता है और उसका कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आपको 150 रुपये में 3 रेनकोट दे दिए जाते हैं जो आपको केवल 50 रुपये का एक रेनकोट पड़ता है। अभी जो आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं ये आज सुबह लगभग 8:30 बजे के दृश्य से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त भी लगातार यहाँ पर बारिश जारी है और ये बारिश आज लगभग 11 बजे तक यूं ही देखने को मिलेगी, उसके बाद रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। 2 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है, चलते हुए भैरव घाटी तरफ से बारिश, रास्ते ही बारिश पड़ रही है, यहाँ से रास्ते बारिश पड़ रही है यहाँ पे। तो जैसा कि आज सुबह की बिल्कुल ताज़ा वीडियोस के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार बारिश वहाँ पर चल रही है और इसके कारण आज रोपवे की सुविधा को भी बंद कर दिया गया था। जी हाँ, सुबह 7 बजे रोपवे की सुविधा शुरू हो जाती है लेकिन आज ये बंद रही। रोपवे भी आपस चालू हो चुकी है पर अभी कोई नहीं है रोपवे में, क्योंकि अभी खाली है, ट्रायल कर रहे हैं थोड़ा सा, इसका बाद में चालू हो जाएगी। तो क्योंकि 7 बजे आज रोपवे की सुविधा को चालू नहीं करा गया था तो जो भी श्रद्धालु जिनका ऑनलाइन बुक था वो भी पैदल जाने के लिए मजबूर रहे। तो ये था आज के मौसम का, और लगातार आज पूरा दिन ऐसे ही माहौल रहने वाला है। बीच में आज बादल छाए रहेंगे, बारिश हल्की हो सकती है लेकिन शाम के समय एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिलेगी और रात भर बारिश चल सकती है और आगे आने वाले कई दिनों तक यूं ही बारिश बनी रहने वाली है और काफी ज्यादा सुहावना मौसम आपको लगने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या के बारे में और देखते हैं कि लगभग कितना यात्रियों का हुजूम आज के दिन वहां पर देखने को मिलने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अब यात्रियों की संख्या के बारे में, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन, लोकल यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन बारिश का माहौल है तो आज के दिन लोकल यात्री यहां पर आना उतना ज़्यादा प्रिफेयर नहीं करने वाले हैं बारिश की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि कल की बात करें तो कल भी उतना ज़्यादा यात्री हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, सोमवार का कल दिन था और ज़्यादा हुजूम वहाँ पर नहीं देखने को मिला था याद रखो। आप देख सकते हैं आज सुबह के टाइम भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं, मैट्रेसेस जो हैं सभी फुल नहीं, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा यश नहीं है क्योंकि ये जो आप यात्री देख रहे हैं बाहर लेटे हुए हैं यहाँ पर जगह भी नहीं होती है पैर रखने की और फिलहाल यहाँ पर लोग आराम से आ जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर लोग लेटे जरूर हैं लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है और भी अच्छे तरीके से, यहाँ बिल्कुल खचाखच ये पूरी बालकनी घिरी रहती है, यानी यात्री की संख्या के अंदर थोड़ी कमी तो जरूर नजर आई है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, अगर आपके पास श्री माता वैष्णो देवी भवन यात्रा के दौरान डॉर्मेट्री या फिर रूम बुक नहीं है तो आपको यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं और अगर थोड़ा आप समय से यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। आप अंदर गद्दे बिछाए हुए यहाँ पर देख सकते हैं और लॉकर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर अगर आप घर से ताला लेकर आते हैं तो आपको लॉकर की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लॉकर्स की लाइन में आपको 1-2 घंटा भी लग जाता है, ना तो आपको पार्वती भवन के लॉकर्स की लाइन में लगना है ना ही आपको किसी अन्य लॉकर्स की लाइन में लगना है। देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर जितने भी हॉल बनाए गए हैं सभी में लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध है और आप अपना जो भी सामान है, चाहे आपका मोबाइल फोन है, पर्स है या फिर कोई बैग है, वो आप इन लॉकर्स के अंदर बड़े ही आराम से रख सकते हैं। बड़े साइज के लॉकर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं लेकिन आप अपने
घर से एक लॉक जरूर लेकर आए, तभी आपको फायदा है। तो अगर आपके पास डोरमेट या रूम नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं और समय पर आप पहुँच जाएंगे तो आपको यहाँ पर सोने के लिए गद्दे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंबल भी दिए जाते हैं, सिक्योरिटी बेसिस पर दिए जाते हैं। अगर एक से पांच कंबल आप लेते हैं तो 500 रुपये आपको देने पड़ते हैं, जो आप जब सुबह कंबल वापस करने जाते हैं तो आपको वो वापस मिल जाती है, पूरे के पूरे 500 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। दुर्गा भवन के खुलने का टाइम आपको बता दें, गर्मियों के अंदर 9 बजे का रहता है, लेकिन कल यानी कि 22 जुलाई 2024 को रात को 8:30 बजे ही इसके द्वार खोल दिए गए थे। तो ये थी यात्रियों की संख्या के बारे में डिटेल। आइए बात कर लेते हैं अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में और देखते हैं कि आज कितना वेटिंग टाइम आज सभी श्रद्धालुओं को वहां पर दिया। अर्थ क्वारी के बिल्कुल ताजा नजारे आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर आज 30 घंटे तक का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। जी हाँ, 24 से 30 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है आज भी यहाँ पर। अगर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको लगभग 1 से 1.5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें रोप वे सुविधा के बारे में। फिलहाल तो 8:30 बजे तक ये सुविधा बंद थी, लेकिन उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं लगभग 9:15 से 9:30 बजे के आसपास का ये वीडियो है और इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे इनका ट्रायल शुरू हो गया है, तो हो सकता है कुछ देर बाद इनकी सुविधा जारी कर दी जाए। अभी चेक कर रहे हैं, बारिश हुई है, हल्की मंदी हुई है। अब बारिश हल्की मंदी हुई है तो रोप वे की चेकिंग कर रहे हैं कि ठीक काम कर रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर हेलीकॉप्टर सुविधा की तो आज वो लगभग बंद ही रहने वाली, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी लो है, धुंध कोहरा छाया हुआ है और लगातार वहाँ पे बारिश हो रही है और आज पूरा दिन ऐसे ही माहौल रहने वाला है, तो आज हेलीकॉप्टर की सुविधा बिल्कुल बंद रहने वाली है। किसी प्रकार से ये सुविधा आज आपके लिए उपलब्ध नहीं रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमकोटी मार्ग को भी इस वक्त थोड़े देर के लिए बंद रखा गया था, लेकिन उम्मीद है कि अब इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद बादल तो रहेंगे लेकिन उतना तेज बारिश फिलहाल शाम तक के लिए नहीं मिलने वाली, तो हो सकता है इसको वापस से जल्दी खोल दिया जाएगा। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट, जो ताजा वीडियोस के साथ हमने आपको दिखाया। आज सुबह के ये वीडियोस हैं जिसको हमारे टीम मेंबर अंकुश ठाकुर जी ने आप सभी लोगों के सामने पेश किए हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारी अपडेट आपको पसंद आ रही है और रोज आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको रोज बिल्कुल ताजा वीडियोस के साथ मिलती रहे, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप यक्सोम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज सुबह एक नई ताजा अपडेट अपने घर बैठे ही आप देख लीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक सभी यक्सोम से जुड़े हुए भक्तों को जय माता दी।